सो हे गेमर्स, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? आई होप यार आप समझते होंगे और मज़े में होंगे। सो गाइस, तुम्हारा भाई वापस से आ चुका है एक और न्यू वीडियो लेकर आर्क सर्वाइवल इवॉल्व की। सो गाइस, यहाँ पर मैं चेफ स्टेशन इसलिए निकाल रहा हूँ बिकॉज मेरे को चाहिए एक कीबल, क्योंकि आपको तो पता ही होगा भाई आज की इस वाले वीडियो में हम क्या टेम करने वाले हैं। कैस्ट्रॉयड, बिल्कुल भाई कैस्ट्रॉयड टेम करने वाले हैं वुड के लिए, और अपने को गैली मेमस का कीबल चाहिए। ये देखो यहाँ पर गैली मेमस, गाइस फटाफट से मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तीन ले लेता हूँ। एंड गाइस, गैली मेमस भाई, और सॉरी गैली मेमस बोल रहा हूँ, कैस्ट्रॉयड भाई वो वुड फार्म के लिए अलग ही भाई बीस्ट है यार। मेमथ हो गया, कैस्ट्रॉयड हो गई, ये सब भाई वुड फार्म के लिए अलग ही है। और ये देखो चिटन का ग्लव्स मिला था जो कि मैंने पहन लिया है। तो गाइस, अब मेरे को थोड़े से नार्कोटिक और ट्रैंक एरोज बनाने पड़ेंगे। तो मेरे पास थोड़े से नार्कोटिक थे, मैंने बनाए थे बट ज़्यादा भी नहीं है, तो फटाफट से मैं थोड़े से बनाने के लिए रख देता हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़े से नार्कोटिक बनाए थे तो एरो बना लेता हूँ सबसे पहले। आई थिंक सो इस वाले में नहीं है, इस वाले में नहीं है। तो चलो भाई, जितने भी है मेरे पास सब के मैं एरो बना लेता हूँ, ट्रैंक एरो। और भाई वही सोने वाला ट्रिक करेंगे और फूड लेवल गिराएंगे और भाई उसको नॉकआउट करके टेम करेंगे। सो गाइस, यहाँ पर अपने पास 25 एरो आ चुके हैं। एंड थोड़ा सा मैं देख लूँ भाई ट्रैप, आई थिंक मेरे को ट्रैप अर्जेंट ट्रैप्स वाला ट्रैप तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर से उस ट्रैप को तोड़ के फिर मैं एक छोटा सा ट्रैप बिल्ड करूँगा कैस्ट्रॉयड के लिए। और भाई हेल्थ की तो इसने बजा दी है भाई कार्नो ने, जस्ट भाई कार्नो से फाइट लेने के बाद में यही वाला वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, सही बता रहा हूँ। यार थोड़ा सा मीट ले लेता हूँ अपने आरजी को खिला के, ना वो हेल्थ बढ़ाते हैं थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा दे दे यार आरजी के, भाई हेल्थ बढ़ानी है जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है भाई, क्योंकि अगर बाय चांस कहीं पे फाइट होती है तो आई थिंक हम बच सकते हैं, इतना तो है। चलो यार थोड़ा सा मैं भाई सब आरजी के अंदर तो भाई प्राइम मीट है, अभी मैं यार इन सबको कहीं पे स्टोर नहीं कर सकता क्योंकि भाई अभी ये बहुत ज़्यादा जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं, तो खिला देता हूँ। और भाई आई थिंक मैं मिनिमम कम से कम इसकी हाफ हेल्थ तक तो ले जाऊँ यार, मतलब हाफ हेल्थ इसको फीड कराते हैं भाई, फटाफट से हाफ हेल्थ ले जाते हैं। और गाइस यहाँ पे हेल्थ इससे काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है मीट से, तो भाई 40 भाई धड़ाधड़ या बहुत ऐसे तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा भाई। और हाँ, कैस्ट्रॉयड टेम करेंगे भाई, उसका सैडल वीडल सब बनाएंगे, और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है भाई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ भाई। जितना छोटा बनाने की कोशिश करता हूँ लेकिन छोटा बनता ही नहीं है यार, लंबी से लंबी वीडियो हो जाती है। तो यहाँ पर भाई ऑलमोस्ट इसका हाफ हेल्थ होने वाला है आई थिंक सो। चलो यार मैं हाफ हेल्थ करके इसकी इन्वेंट्री वगैरह सब सॉल्ट क्लियर करके फिर मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। सो गाइस, फाइनली इनका इसका आरजी का अपने इन्वेंट्री क्लियर करके भाई 569 हाइड, भाई बहुत ज़्यादा हाइड हो चुका है। सो अब चलते हैं गाइस अपने आरजी वाले ट्रैप पे, उस ट्रैप को तोड़ेंगे और एक छोटा सा बनाएंगे छोटा सा ट्रैप। और चलो गाइस चलते हैं सबसे पहले आरजी वाले ट्रैप पे। सो गाइस, यहाँ पर मैंने आरजी को ट्रैप किया था लेकिन भाई यहाँ पर कुछ एग्री वाले डायनोस हैं जो कि भाई मेरे को तोड़ने नहीं देंगे ट्रैप, और मेरा कैजुअल है इसलिए मेरा पूरा सामान मिल जाएगा जितना तोड़ूंगा। और भाई यहाँ पे एलोसोरस 240 लेवल का, भाई आरजी से भिड़ने का पंगा भाई बिल्कुल मत लेना यार, सही बता रहा हूँ। लेकिन क्या मतलब भाई, मैं कारणों से भाई मेरी हालत ख़राब हुई थी, बट चलो भाई यहाँ पर आलू बना दिया। चलो यार यहाँ पर भाई मेरे को ट्रैप तोड़ना है भाई, जल्दी जल्दी ये काम यार। ये आरजी भाई ये भी आएगा, उसको हवे में लपेटता हूँ ना मैं। चलो भाई यार हवे में मेरे से पंगा मत लेना भाई, बिल्कुल भी हवे में अपन से पंगा नहीं है भाई, पूरा का पूरा अटैक हवे में ही हार्वेस्ट कर लूँगा मैं भाई, फुल ट्रेंड हूँ भाई हवे में फाइट कैसे करते हैं। चलो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो भाई अगल बगल देख लेता हूँ यार, आई थिंक सो कोई नहीं, सबसे पहले मेरे को पिलर चाहिए होंगे भाई, पूरे के पूरे रिसोर्सेज लूँगा भाई मैं जितने बनाने के लिए लगे हैं। तो देयर वी गो, इसको तोड़ो एंड इसको तोड़ा है कॉम्पी भाई, भाई सही में कॉम्पी से डर गया मैं, वो भाई भाई लिटरली अगर मैं यहाँ से ना कॉम्पी से डरा होता ना भाई, ये रैक्स मेरी फाड़ कर देता भाई सही में यार। भाई कैसे आया है रैक्स भाई, 75 लेवल है लेकिन भाई कुछ भी बोलो रैक्स रैक्स है भाई। चलो भाई अपना आरजी भी किसी से कम नहीं है भाई, बस ख़त्म भाई, ये चुटकियों में ख़त्म भाई, क्या बताएं भाई रैक्स। और हाँ भाई मैं आवाज़ कम करके खेलता हूँ, गेम का साउंड वैसे भी बहुत कम रहता है, 1% तक के रखता हूँ मैं, और वैसे मैं साउंड भी कम करता हूँ। और इधर क्या है भाई, डिप्लो डिलो डिओड, अच्छा डिओड से फाइट कर रहा है रैप्टर भाई, मेरे सामने किसी की चौड़बाजी नहीं चलेगी, बिना फालतू का मारना बंद कर भाई तू, इधर आ
खोपचे ना थोड़ा सा। चलो भाई इसको तो हमने ऊपर टपका दिया भाई। अब यार सेबर तो भाई ढंग से मेरे को ट्रैप तोड़ने देगा कि नहीं देगा। चलो यार इसको भाई मैं टपका देता हूँ सबसे पहले तो। चलो इन सबको मैं टपका दिया, साथ में अपनी हेल्थ भी भरने वाली है, मतलब हील हो रहा है। और भाई मैं फटाफट से इन सारे ट्रैप को तोड़ता हूँ यार, जल्दी जल्दी तोड़ते हैं। ऑल राइट गाइस लास्ट वन गेट। चलो भाई सारा का सारा मैंने ट्रैप तोड़ दिया है। एंड गाइस अब चलते हैं जहाँ पे अपने को कैस्ट्रॉइड मिलता है, सो वहाँ पे चलेंगे और एक छोटा सा ट्रैप बनाएंगे। आई थिंक सो इस साइड जाना पड़ेगा ना मेरे को। भाई साहब स्टोरेज भरा भरा पड़ा है। चलो चलते हैं भाई। और गाइस यहाँ पर जाते जाते मैं सोच रहा हूँ कि भाई ट्रैप भी बना लेते हैं। अपने को चाहिए होंगे 4 फाउंडेशन और ये क्या बोलते हैं डोर फ्रेम। अपने को डोर फ्रेम चाहिए होंगे 16, क्योंकि हम दो दो लेयर ऊपर बनाने वाले हैं, मतलब डबल लेयर का बनाने वाले हैं ट्रैप। क्योंकि भाई वो सिंगल लेयर में आई थिंक सो निकलेगा या नहीं निकलेगा मेरे को कोई आइडिया नहीं है, रिस्क नहीं लेते हैं, बट डबल लेयर का बना लेते हैं भाई। रिसोर्सेज की तो अभी कमी है नहीं भाई। चलो 14 और बनेंगे, 14 भाई 16 बन रहे हैं, चलो 14 बना लेते हैं। और गाइस चलो अब जब तक ट्रैप बनता है तब तक हम उस लोकेशन पे पहुंचते हैं जहां पे अपने को मिलेंगे कैस्ट्रॉइड। भाई आई होप यार मेरे को हाई लेवल के कैस्ट्रॉइड मिले, क्योंकि भाई कैजुअल ब्रूटल है, ब्रूटल में तो भाई 450 लेवल मैक्स होता है। आई थिंक सो कुछ तो हाई लेवल मिले, चलो ढूंढते हैं। ऑल राइट गाइस यहाँ पे आया था लेकिन कैस्ट्रॉइड भाई ये 15 लेवल, ये 75 लेवल। भाई यार ये थोड़ा दिक्कत देगा। सो गाइस अब एक ही चारा है टाइडी सेव करने का। टाइडी सेव वही करेंगे जो कहीं डायनो को ट्रैप ना करा हो, जैसे मेरे पास अभी कोई डायनो ट्रैप नहीं है विदाउट टेम। तो चलो मैं टाइडी सेव कर लेता हूँ और मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। तो भाई टाइडी सेव करा और घूम रहा था इधर, लेकिन मेरे को एक यहाँ पे ऑर्डर दिख चुका है भाई, लिटरली एक गोलू मोलू सा प्यारा सा ऑर्डर। लेकिन भाई मैं अभी नीचे जा नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे है एक पिंक सा, ये क्या है भाई, स्पाइनो, पिंक स्पाइनो। भाई अगर ये फुल मैक्स लेवल होता ना भाई, ऑलमोस्ट 400 प्लस भी होता ना, मैं इसको टेम करता भाई। सबसे पहले इसको रास्ते से हटाते हैं। और भाई ऑर्डर को तो कोई मारता ही नहीं है भाई, मतलब कोई डायनो नहीं मारता भाई। इतना प्यारा गोलू मोलू सा है भाई, उसको कौन ही मारेगा। चलो खैर छोड़ो भाई, यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको किल करता हूँ। इधर आ भाई तू, ये किक करें सबको लपेटूंगा मैं भाई, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना भाई। इधर आए तो डिमोट्रो आई थिंक सो एग्रो हो गया मेरे पे। मारो 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 ऐसे ऐसे ख़त्म, स्पाइनो ख़त्म। एंड भाई साहब यहाँ पर डिमोट्रो आई थिंक सो मेरे पे एग्रो हो गया भाई, क्या करूँ। ये डैमेज देते हैं लेकिन कोई ना भाई, हवे में लड़ेगा तो भाई ये मरेगा, हवे में नहीं बच सकता भाई, सारे अटैक्स के पड़ेंगे भाई। ये देखो गया ख़त्म भाई, बिना मतलब कि यार मेरे से हवे में फाइट करते हैं भाई, हवे में फाइट ना ही करो तो बेटर है। वह अटैक पूरे भरूंगा और फिर गया। ये नहीं है भाई अपना ऑर्डर, मैं इस पंजे में उठाना चाहता था। तो डेड बॉडीज हैं भाई उसके, फिश के जो हमारी और स्पाइनो की फाइट हुई थी आई थिंक। तो मेरे को इनका मीट लेना चाहिए, क्योंकि भाई ऑर्डर एक ही चीज़ से टेम होता है जो है फिश मीट। वो पैसिव टेम है, नॉकआउट टेम नहीं है भाई। इनको हार्वेस्ट करता हूँ और भाई साहब 10x बाम देंगे भाई। भाई उधर बैरियोनिक से आई थिंक सो। भाई किधर गया अपना ऑर्डर, पानी में घूम रहा है भाई। कैसे लूँ उसको, आई थिंक सो यहीं से पिकअप करना पड़ेगा। वो भाई फाइनली पिकअप हो गया। चलो इसको कहीं सेफ लोकेशन पे लेके चलते हैं और भाई टेम का प्रोसेस चालू करते हैं। भाई इसको छोड़ना नहीं है भाई, मेरे को भाई टेम करना है, कंधे पे बिठा सकते हैं भाई। ऑलराइट गाइस यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ब्राइट बढ़ा दी है और इसको मैं 10x भाई यार क्यों लिटरली यार इसको मैं 10x नहीं दे पाया भाई, नहीं तो ये भाई 30% अभी ही हो जाता, 30% यार। चलो भाई इसको अब टेम करते हैं भाई। अब भाई बस तू भाग मत, इतना प्यारा सा है, भाग मत भाई। रेड कलर का है पता नहीं कुछ तो है भाई, ब्राउन कलर का। चलो टेम करते हैं भाई थोड़ा सा, इसको भागने नहीं देते। ऑल राइट गाइस यहाँ पर मैंने इसको अपने आरजी के पंजे में उठा लिया हूँ। एंड भाई साहब यहाँ पर इसको, अरे मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ क्या भाई, 10x मैं ऐसे ही दे दिया इसको भाई। आई थिंक सो अगर मैं इसको 10x दे सकता हूँ तो क्या मतलब मैं इसको यहीं से फूड खिला सकता हूँ भाई। ये तो अपने को देखना पड़ेगा जब इसका फूड डाउन होता है, जब ये भूखा होगा तब खिला के देखेंगे कि ये अपने पंजे से ही खाता है या नहीं। अगर पंजे से खाता है तो भाई सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट तरीका हो जाएगा भाई, बहुत ज़्यादा ईजी तरीका हो जाएगा इसको टेम करने का। तो चलो इसको भूख लगने देते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। ऑलराइट गाइस पूरी रात हो चुकी है भाई, बहुत ज़्यादा रात। वो इसको भूख लगी,
आई थिंक उसे एक्सेस कर सकता हूँ भाई। अब क्यों नहीं आ रहा यार, थोड़ा सा इधर खिलाओ तो। ओ भाई भाई इसको मैं बस ऐसे ही एक्सेस, भाई इसका मतलब इसको नीचे रखे नहीं, मतलब बिना रखे ही भाई इसको ऐसे टेम कर सकते हैं यार। वाह भाई ये ट्रिक मेरे को मालूम नहीं थे पहले, लेकिन हाँ अब जब पता लग गई है तो भाई क्यों छोड़ना, मौके का चौका मारते हैं भाई इसको फटाफट से, ऐसे ही टेम करते हैं भाई, लगने देते हैं भूख और करते हैं भाई इसको टेम। और लेट गाइस एक बार और मैंने इसको खिला दिया है, आई थिंक सो लास्ट वन एंड ये हो जाएगा अपना टेम। तो चलो भाई थोड़ा और भूख लगने देते हैं। तो ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम के बाद भाई इसको अभी भूख लगा नहीं है, पंजे में लेके बस ऐसे ही खड़ा हूँ। ओके ओ भाई 220 लेवल का अपना हो चुका है ऑटर टेम। तो भाई साहब ऑटर टेम हो चुका है अपना पहला एक कंधे पे बैठने वाला डायनो। तो गाइस अब मैं फटाफट से डे करता हूँ बिना किसी देरी के, एंड भाई डे को देखते हैं कि भाई इसका कैसा क्या है भाई, क्या कुछ है। तो भाई डे मैंने कर लिया और भाई ये देखो लिटरली भाई कितना गोलू मोलू सा भाई, कितना प्यारा है भाई। मैं ग्राफिक मतलब सब कुछ हाई करके देखता हूँ, रेजुलेशन हाई भाई, कितना प्यारा है भाई, क्यूट सा भाई। इसको ही टेम कर सकते हैं भाई, 11 मिनट हो चुके हैं, लेकिन मेरे को कैस्ट्रॉइड भी टेम करना पड़ेगा। ये देखो भाई कितना प्यारा है भाई, कितना गोलू सा है भाई। चलो छोड़ो इसको भाई, ये तो पहले से ही प्यारा है भाई, इसको कौन ही मारेगा इतने भोले भाले से कल देख के। तो चलो यार अब कैस्ट्रॉइड ढूंढते हैं बिना किसी देरी के, नहीं तो भाई वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए ढूंढते भाई कैस्ट्रॉइड। और हाँ मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो वॉइस थोड़ी अजीब आ रही होगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और भाई ढूंढता हूँ मैं कैस्ट्रॉइड। सो गाइस बहुत ज़्यादा टाइम के बाद मेरे को मिल चुका है 390 लेवल का कैस्ट्रॉइड, मेल फीमेल दोनों है, यहाँ पे एक जोड़ा है मेल फीमेल का। तो भाई साहब अब मेरे को यहाँ पे ट्रैप बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले भाई मैं ट्रैप बना लेता हूँ। सो गाइस मैं यहीं पर ही ट्रैप बनाने वाला हूँ, तो फटाफट से यार मैं सबसे पहले 4 फाउंडेशन लगाता हूँ। भाई ये ट्रैप तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ईजी होता है, जस्ट आपको ऐसे 4 फाउंडेशन लगाने कहीं पर बस फिट आ जाने चाहिए, और 16 ये डोर फ्रेम जस्ट आपको ऐसे ऐसे डबल डबल लेयर के बनाने होंगे। तो भाई ऐसे ही मैं बता रहा था कि ऐसे ही डबल लेयर का बनाना होगा अपने को, सिंगल लेयर में निकलता है नहीं, रिस्क नहीं लेना। तो चलो भाई ट्रैप बन के रेडी हो चुका है, अब फटाफट से कैस्ट्रॉइड को लाते हैं और इसके अंदर डालते हैं भाई, ट्रैप करते हैं। तो गाइस मैं एक कैस्ट्रॉइड को लेके आ चुका हूँ, और इजीली भाई सेफली तरीका से यहाँ पे आरजी से भाई इसको रख देते हैं, ट्रैप कर देते हैं। तो भाई आरजी टेम करने का भी अलग ही फ़ायदा है, और भाई अभी तो डे हो रहा है, मेरे को रात होने का वेट करना पड़ेगा। और ये मेल है भाई, आई थिंक इसका हेल्थ कम नहीं है, 4700 है, और इसका कितना है आई थिंक सो भाई 6800, मतलब भाई बहुत ज़्यादा ऊँचा तो बेटर है भाई। ये मेल है और वो फीमेल है, तो भाई ग्रीन ड्रॉप भी है, क्या करें लूटें। चलो भाई लूटते हैं भाई, आज ड्रॉप लूट के देखते हैं, एम्बर मिलते हैं ड्रॉप से, लेकिन देखते हैं भाई अपना लक आजमाते हैं कितना एम्बर मिलता है अपने को। लेट्स सी भाई, 2 एम्बर भाई, 2 एंशिएंट एम्बर भाई, अगर आपको अच्छे से दिखा नहीं हो तो बैक करके देख लेना, मिलता है 2 एंशिएंट एम्बर, जहाँ पे अपना एक किल मैसेज आता है ना वहीं पे एंशिएंट एम्बर भी मिलते हैं। तो चलो भाई इसको पहले मैं साइड करता हूँ यार, इस कैस्ट्रॉइड को। तो अपना आरजी है एंड इसको भाई साइड करते हैं, साइड मतलब मारना नहीं है भाई, बस जस्ट इसको उठा के उधर साइड में रख देते हैं भाई, जब टेम नहीं कर रहे तो मारते क्यों है भाई, क्यों मारना है बिना मतलब का टेम नहीं करना। तो इसको साइड करते भाई, ताकि अपने को उंगली ना करे भाई उसको टेम करते टाइम, इसलिए। तो चलो देर पी को भाई, तू यहाँ पे आराम से रह कैस्ट्रॉइड भाई, तू बस यहीं पे रह, उंगली मत करियो आके बस। तो चलो यार मैं थोड़ा रात होने का वेट करता हूँ भाई, वो अपना कैस्ट्रॉइड तो एक साइड में हो चुका है भाई, रात होने का वेट करते हैं, देखते हैं भाई कब तक होता है, अभी तो पूरा डे चल रहा है। सो भाई शाम हो चुकी है, और मैं अपने ऑटो से थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा था भाई, ये पिराना को मारने को मैंने विसल दिया, और ओके पिराना को उसने मार दिया। आई थिंक देखते हैं भाई ये क्यूट सा चीज़ क्या लाता है मेरे लिए। ओ भाई ये कितना क्यूट लगता है यार, जब ये हाथ में ऐसा सामान लाता है भाई। ब्लैक पर्ल दिया ना भाई, 4 सिल्क पर्ल्स और 1 ब्लैक पर्ल, भाई साहब मस्त यार। और दूर शार्क को है भाई, शार्क को आई थिंक सो मेरे को उंगली ना करे, मतलब लग रहा है आई थिंक सो उंगली तो नहीं करेगा मेरे को भाई। चलो आ जाओ भाई, तुम पैसिव रहो, स्टॉप पैसिव सब कुछ। एंड भाई इसको मैं कंधे पे ले लेता हूँ, देयर वी गो, बैक के साइड में जो निशान है ना कंधे वाला, उसी को दबा देना, तो ये कंधे से गिरेगा और इस पर देख के अगर वही दबाओगे तो कंधे पे बैठ जाएगा। सो गाइस बहुत ज़्यादा टाइम के बाद रात हो चुकी है, और मैं यहाँ पे सो चुका हूँ, इजीली अपना प्लेयर यहाँ पे स्लीप ले लिया है।
एंड भाई प्यारी सी मॉर्निंग एंड अपना कैस्ट्रोल पास में ही है। और भाई पहले से डिलो को मारते हैं भाई। हट भाई, साइड हट भाई, तुम बिना आर्मर के भी पावरफुल हो भाई, मैं क्या बताऊँ, बस वेपन के चक्कर में हूँ। एंड गाइस अब फटाफट से इसको ट्रैंक करो, उसे बजाते हैं, सबको मैं पैसिव कर देता हूँ ताकि भाई कोई इसको आके पेल ना दे। तो चलो फर्स्ट एरो, आई थिंक सो 8000 के करीबन था इसका टॉर्पर। सो भाई अभी तो हम नॉर्मल बेसिक डायनोस टेम कर रहे हैं भाई, बेसिक नहीं है लेकिन है अच्छे। लेकिन हाँ भाई हार्ड लेवल का डायनोस होते हैं भाई, लाइक गीगा हो गया भाई, रैक्स तो उतना भी हार्ड नहीं होता। और चलो इसका हाफ बातों बातों में भाई हाफ टॉर पर चढ़ चुका है भाई, जल्दी आई थिंक सो नॉकआउट हो जाएगा भाई। चलो भाई ये अपने को ट्रैप को डैमेज दे रहा है, मतलब मार रहा है, डैमेज देने की ट्राई कर रहा है। यहीं पे हमारा अगर आरजी पैसिव ना होता तो भाई आरजी आके इसको भरने लग जाता। तो चलो भाई एरो मारते हैं भाई, तू जिधर मर्जी भाग ले भाई, तू नहीं बचने वाला। कितना है भाई, जस्ट तू सा भाई, आप से करीबन चलो डाउन हो चुका है भाई। 390 लेवल फीमेल कैस्ट्रोइड। सबसे पहले भाई मैं यहाँ पे ये तोड़ देता हूँ ताकि अपने को व्यू अच्छा मिले, और आपको दिखाता हूँ भाई विदाउट टेम इसका एबिलिटी दिखाता हूँ भाई, क्या क्या है इसकी स्टैट्स में दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये देखो भाई स्टैट्स दिखाता हूँ, तो आई थिंक सो 6000 के करीबन हेल्थ है, स्टेमिना 1100 के है भाई, और वेट 516 है। फूड बार इसका अभी कम नहीं हुआ, लेकिन हाँ कम बहुत हो चुका है। मूवमेंट स्पीड 100 है, मिले डैमेज 260 है, तो फूड बार तो कम हो रहा है। और अब फटाफट से इसको मैं गैली मेम्बर्स का केबल खिलाता हूँ। सबसे पहले 10x बाम देते हैं भाई, 10x है तो भाई देना जरूरी है भाई। चलो तीन केबल देते हैं भाई, 48 97, देर वी गो गाइस, 584 लेवल का अपना कैस्ट्रॉयड भाई। लिटरली भाई बहुत टाइम लगा रहा इसको, टाइडी से मैंने बहुत बार किया है भाई, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मेरे को यार, सही बताऊँ तो। और इसका अब स्टैट्स देखो भाई, 553 का मेले डैमेज है, 684 का इसका वेट है, मूवमेंट स्पीड 170 है भाई, हेल्थ इसके 8K हो चुकी है, स्टेमिना भी बहुत प्यारे हैं। तो वैसे देखो कितना प्यारा चलता है भाई चूहा सा। चलो यार इसको मैं फटाफट से बेस पे ले चलता हूँ, सैडल वैडल बनाते फिर। ऑलराइट गाइस बेस पे आया, सैडल बनाया, और अब इसको राइड करते हैं भाई। सबसे पहले तो देर वी गो भाई, इन्वेंटरी क्लियर करके भाई, क्या भाई चल रहा है, कितना रहता है भाई, 100+ वुड दे रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है भाई, बहुत ज़्यादा मस्त है इसका। बस मेरे को मिली डैमेज में पॉइंट दे दूँ तो भाई क्या ही हो जाएगा, बीस्ट बन जाएगा यार ये। और मैमथ भाई अलग ही लेवल के होते हैं भाई वुड कलेक्ट में भाई, क्या मशीन की तरह चल रहा है भाई, मतलब ये अटैक करते हुए भी चल सकता है अपने पूरे स्पीड में भाई। ये इसकी एबिलिटी काफ़ी प्यारी लगी भाई सही में भाई, कितना भाई। चलो इसकी इन्वेंट्री भी भर गई भाई लिटरली भाई, फुल स्पीड में अटैक करते हुए भाग रहा है भाई, मतलब क्या ही बताएं यार भाई। ये एबिलिटी मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद लगी, भागते भागते अटैक करना। ओ भाई कैस्ट्रॉयड कितना हो चुका है भाई, तो कितना वुड लाया है भाई, कितने प्यारे तरीके से खा रहा है वुड भाई, ऑलमोस्ट 3K भाई, ऑलमोस्ट 3000 के करीबन ये वुड भाई, कुछ ही पलों में भाई, कुछ सेकंड में इसने ले लिए भाई, कलेक्ट कर लिया। और साथ गाजर भाई, कितना भाई, अब तो अपने पास वुड की कमी नहीं होने वाली है भाई, वुड कलेक्टर आ चुका है भाई, कलेक्टर जो भी बोलो भाई, प्रोनाउंस ना हो रहा हो उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। तो भाई बस यार आज की वाली वीडियो यहीं तक रखते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। आई होप यार आपको आज की वाली ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो चलो गाइस मैं मिलूँगा आपसे अगले नेक्स्ट किसी ऐसे ही खतरनाक ही शानदार सी वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।